ये है मनु ऊपर आ चुका था नीचे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज उठ गई 8:30 बिकॉज मम्मी पापा जा रहे हैं, ललिता मासी कंचन मासी भी जा रहे हैं मेरे इन लॉज के घर। बट मैं भी रेडी हो रही हूँ, बट मैं उनके घर नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ कंचन मासी के घर पे। बताया हुआ आपको कि मेरे इन लॉज एंड कंचन मासी के घर दोनों पास पास में ही है, उत्तम नगर ही है दोनों के घर। तो मैं रहूँगी कंचन मासी के घर और मम्मी पापा ललिता मासी सीमा मासी कंचन मासी जाएंगे उनके घर से। सीमा मासी नहीं आ पाएंगे, आप लोग पूछोगे सीमा मासी कहाँ रहती है, आपको बताइए, उनका अपना काम रहता है तो इसी वजह से वो ज़्यादा आ जा नहीं पाते। तो मम्मी आज मैं वाला फ़ोन ना क्या करूँगी, मम्मी को दे दूँगी। मम्मी आज आपको मेरे इन लॉज से भी मिलवा देंगे बिकॉज़ आज थोड़ी सी ऐसी मीटिंग हो रही है कि आगे क्या कैसे क्या करना क्या नहीं करना, जो होती रहती है शादी के टाइम पर मीटिंग चलती रहती है तो वही हो रही है अभी। बस इसलिए आज जल्दी उठ गए सो दैट हम जल्दी, समय है 10:30 हमें निकलना है, 11 बजे वहाँ पर पहुँचना है, तो देखते हैं टाइम पर सारी चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल तो अभी उठी हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। मम्मी क्या बन रहा है आज किचन में? गोभी के पराठे। जो गोभी के काकू जो पैक कर रहे हैं अपने, समझदार है काकू। काकू सारा पैकिंग अपने आप करते हैं। हाँ मेरे भी बनेंगे। हाँ, कौन सा काकू कपड़ा चाहिए? साफ करने के लिए, टिफिन बड़ा गीला हो रहा है। गीला हो रहा है, उसमें से ले ले, इधर ड्रॉअर जो धोना, टिश्यू भी है। हाँ टिश्यू ले ले, टिश्यू भी है ना। मम्मी पापा कहाँ गए? उठी पापा दिख ही नहीं रहे। पापा बेटा शॉप पे है, वो कह रहे थे 1-1.5 घंटे में आता। अच्छा तो तुम काम निकालो, नाश्ता भी बना के मैं रख दूंगी। ठीक है और जल्दी है, मेरे को मैं दो तो तवे पे पराठे। हाँ अच्छा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया दो है। हाँ फटाफट बना रही हूँ। ठीक है चलो, सबका नाश्ता भी है, काकू का पैक हो गया। ठीक है बाय 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 बाय। घर का काम कर लिया, अभी बस नहा कर आ गई हूँ और एक्चुअली डस्टिंग के साथ साथ मैंने कहा मैं ही झाड़ू मार दूँ बिकॉज लेट हो रहा था और रोमा का भी पता नहीं था वो कब तक आती कब तक नहीं आती। वैसे भी आज थर्सडे था, थर्सडे के दिन हम पहुँचा हुआ वैसे ही नहीं लगाते, झाड़ू झाड़ू रहता है। बस जल्दी से मैं रेडी होती हूँ ताकि टाइम से निकल पाए। अभी तो सब कुछ टाइम से चल रहा है तो होपफुली जल्दी से रेडी होकर बस जल्दी से निकलते हैं और फिर आगे का आपको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड मैंने आज ये न्यू सूट वेयर करा हुआ है जो मुझे साइशा स्पार्कल 24 से आया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला एंड सेम सूट ललिता मासी के पास भी। अब ये मत बोला कि मैंने उनका पहन लिया बिकॉज हम लोगों के साइज़ डिफरेंट है। मासी का एल साइज़ है, मेरा तो वैसे स्मॉल साइज़ है बट मैंने ये मीडियम मंगवाया था तो मुझे मीडियम हल्का सा डाइट यहाँ से करवाना पड़ा बट बाकी ओवरऑल एकदम फिट आया मुझे। सो बहुत बहुत सुंदर सूट है, इतना कंफर्टेबल है, एकदम कॉटन है। मैं भी आपको ना अच्छे से इसकी डिटेलिंग दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, नायरा कट में है सूट, है ना। और मम्मी ने तो ये वाला पहना हुआ है, ब्लू वाला सूट पहना हुआ है। हाँ डार्क कलर है ना, सुंदर है। और इसके साथ ये पैंट्स हैं और ये वाली टाई एंड डाई वाली इनकी चुन्नी है। तो साइशा स्पार्कल के पास बहुत, मैंने जब ये सूट आया था मैंने तब भी बोला था उनके पास बहुत अच्छे सूट्स हैं और उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नंबर मेंशन कर देती हूँ गाइस, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको ना अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो भी उनकी न्यू डेली की कलेक्शन होती है ना, लॉन्च होती रहती है, वो ग्रुप में दिखाते रहते हैं। सो मेरे पास भी काफ़ी सारे ग्रुप में आ रखे हैं उनके, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। मैंने कहा आज भी इतना प्यारा एक आया था ना, मोर पंखी शेड में था सूट, हाँ वो बहुत सुंदर था। तो मैं जब भी वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगी मोर पंखी वाला, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये वाला भी बहुत सुंदर है, मतलब थोड़ा ना हट कर है, मैंने नायरा कट है अभी तक नहीं पहन रखा तो ठीक है, मैंने कहा चलो इस बार अलग सा ही पहनते हैं कुछ। मैंने आज पिंक कलर का ही लाइनर लगा रखा है, मैंने कहा पिंक कलर की ड्रेस है तो पिंक कलर का लाइनर एंड ये वाला मैंने न्यू लिपस्टिक का शेप लगा रखा है। सो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लाइनर का भी रिकॉर्ड का है एंड ये TNW की लिपस्टिक है। सो वेरी कम्फर्टेबल, वेरी बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करती। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।
अभी बस कैब में बैठी है, बहुत लेट हो गया था आज, कैब करते करते ना टाइम लग गया, तो मासी भी आए गए थे, ललिता मासी को भी हमने कहा साथ में ही चलो, पापा आगे बैठे हुए हैं, हम इधर है, काकू तो ऑफिस ही है, तो हमने कहा उसको ऑफ करने का तो कुछ मतलब था ही नहीं, मैं कंचन मासी घर चली जाऊंगी नोनी पीयू के साथ, मतलब वो भी मुझे बुला रहे थे, पीयू घर पे ही है ना, मुझे बुला रहे थे कि आप दीदी आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, जब से आपकी सगाई होगी आप हमारे पास आ नहीं रहे, मैंने कहा चलो आज मैं तुम लोगों के साथ ही बैठती हूँ, और मम्मी पापा सीमा मासी कंचन मासी ललिता मासी सारे फिर वहाँ चले जाएंगे। काफी देर हो गई है पूजा के ससुराल में आए हुए और हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो अब आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हेमा करवाएगी। हाँ। ये देखो सबसे पहले बैठे हैं पूजा के पापा। हाँ। इनसे स्टार्ट कराते हैं। हाँ। और आगे तू हेमा करवा। ये है पूजा के फादर इन लॉ, तो सबसे पहले मिलिए सबसे बड़े बंदे। नमस्ते तो करिए, कोई बात नहीं। चलो और ये है मदर इन लॉ। नमस्ते जी। हाँ। और आप इनसे मिल ही चुके हो। हाँ। पूजा की जेठानी है, यानी कि बहन है ये भी पूजा की। हाँ। तो जो इनकी लड़की का जन्मदिन था तो पूजा गई थी तो हाँ। मिलवाया था, और जो इनके हस्बैंड है वो नीचे अपनी शॉप पे, तो उनसे भी मिलवाएंगे जाते 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 जाते। हाँ। तो ये है मन्नू, ऊपर आ चुका था नीचे मन्नू साहब मिल चुके हो, और ये है घर की रौनक रौनक मेन बंदा यही है सच्ची, बच्चों के बिना बिल्कुल घर में कुछ नहीं है, यही रौनक है। हाँ, सबसे बड़ी। हाँ। ले कंचन भी आ गई है, अभी कंचन बाहर गई थी। हाँ। अब तू बता दे बाहर क्यों गई थी। वो गणेश विसर्जन। हाँ, तो इनकी फ्रेंड के घर में गणेश जी का विसर्जन था, वहाँ गई थी तो ये आ गई है, इसके साथ मिल ही चुके हो। तो मन्नू आप अपना घर दिखा दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। आओ अब आपको अपना घर दिखाते हैं। आ जाओ, ये है ड्राइंग रूम। ये हाँ, ये ड्राइंग रूम है, आते स्टार्ट से गेट से अंदर एंट्री करते ही ड्राइंग रूम है। अब आगे चलो, आप ये हमारा स्वीट सा बेडरूम है, बाकी उस रूम में भी है, वहां भी लेके चलेंगे आपको। भाई सुबह आंख उठते ही खुलते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं बाबा जी को, सामने देखिए आप, और बाकी आपको दिखाते हैं। गाइस ये हमारी अलमीरा है, और ऐसे ही सेम हमारा जहां शादी के बाद शिफ्ट होंगे सेम ऐसे डेकोरेटेड है, ऊपर वाला भी हमारा पोर्शन जो है, दूसरा रूम भी दिखाते, बाकी अभी और भी रूम दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए बने रहिए। मैं तो मासी के घर पे थी, बट मेरा जो फोन था वो मम्मी के पास था, तो अभी फोन आया, मैंने कहा चलो मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ये तो थोड़ा लेट ही आई थी, पीयू और मैं ही साथ में थे, है ना, हमने बड़ी मस्तियाँ करी आज। अभी बस इसका ट्यूशन हो जाएगा, ये चली जाएगी तो हाँ, हम दोनों नोनी और हम दोनों मस्ती कर लेंगे, ठीक है नोनी। हाँ अब इसके साथ ठीक है, और तेरे एग्जाम सही जा रहे हैं। लास्ट पढ़े, काश खत्म हो जाते फिर मैं ट्यूशन भी ना जाती। कोई नहीं, बस बाय बाय पीले, मेरी नीले आज तो नीले बनी पड़ी है, मेरे को नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा परसों एग्जाम है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चले, मैं भी बस थोड़ी देर में जा रही हूँ, पीहू को छोड़ कर ना मैं फोन कवर के लिए देखने के लिए आई थी, उत्तम नगर आऊँ मैं फोन कवर कभी यहाँ से ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज हम ना न्यू शॉप पे आए थे, मेरे वाला जो कवर था ये पूरा ना साइड से येलो होने लग गया, ऑब्वियसली येलो हो ही जाते सिलिकन वाले। सो भैया ने ना यहाँ पे एक तो ये दिखाया है बारहवीं वाला, बहुत अच्छा है, बट इससे क्या हो रहा है ये पूरा आगे तक कवर है। एक मैंने ये वाला कवर देखा है मार्बल प्रिंट में, बहुत अच्छा है, और एक भैया ने मुझे ये वाला दिखाया था, ये भी मैंने ट्राई किया अच्छा है, और एक ये हेलो किटी वाला, पर ये मिरर में है तो इसमें ना स्क्रैचेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो मैंने इसलिए वाला छोड़ दिया। अब मैं पकड़ना इसमें इसमें और ये तीन कवर्स में कंफ्यूज हो रही हूँ, है ना, बट मैं सोच रही हूँ इस बार, हमेशा तो मैंने ऐसे वाला ट्राई करा हुआ है, इस बार ये बारबी वाला अलग से ट्राई करते हैं, बिकॉज सिलिकॉन है बट आगे से थोड़ा ज़्यादा कवर है, बिकॉज ये आगे से इतने कवर नहीं कर, ये देखिए ये इतना ही आगे से पूरा कवर कर रहा है, कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं ना। हम लोग आ गए थे टाइम से घर वापस, एंड आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, डिनर करा, अभी उनको सुबह बहुत जल्दी उठ कर गए हुए थे, तो मैंने कहा आज जल्दी टाइम से सो जाती हूँ,
एंड बहुत से लोग कमेंट करते रहते थे अपने इन लॉज से मिलवाओ. सो फाइनली मैंने मतलब इन लॉज से आपको आज वाले ब्लॉग में मिलवा ही दिया है. मैं तो नहीं गई थी बट अब मतलब पहले शादी से पहले नहीं जाते ना, और तो इसी वजह से मम्मी ने ही ब्लॉग बनाया था. तो मम्मी जितना ब्लॉग बना पाए तो उतना ही ब्लॉग आज शूट हुआ है. सो इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग करती हूँ मैं, ये फेस वॉश करती हूँ और जाती हूँ सोने के लिए. बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है आज गाइज. तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइज सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.